publish PARC, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. I Light Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. Sohom Electronics, Home Appliance, Furniture. बेलूर में जय भवानी माता की पालकी हाथी पर निकाली गई। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। हुलसुल तालुका के बेलूर में 28 अक्टूबर 2023 को पिछले 15 दिनों से चल रहे माता जय भवानी की यात्रा महोत्सव के आखिरी दिन बड़ी धूमधाम से माता जय भवानी की पालकी हाथी पर निकाली गई। बेलूर में माता जय भवानी का ये 26वां यात्रा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मानो जैसे मैसूर में हर साल दशहरा के अवसर पर मनाया जाता हो, उसी तरह तालुका के बेलूर में माता जय भवानी की यात्रा मनाई गई। पालकी महोत्सव का उद्घाटन बसो कल्याण एमएलए शनु सालगार के हाथों किया गया। इस यात्रा में माता भवानी की मूर्ति को हाथी पर निकाली गई, वही माता जय भवानी की पालकी भी निकाली गई। इस पालकी महोत्सव में हाथी, ऊंट, घोड़े, ढोल बाजे के साथ नाचते माता जय भवानी की जय जयकार कर पालकी महोत्सव की गई। इस मौके पर भालकी भट्ट के डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवरु, बिदर इंचार्ज फॉरेस्ट मिनिस्टर आर के गिरी सिल्क एंड सारी, ठाकुर ट्रेडर्स डीलर्स इन स्टील सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, प्रशांत मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंडरे, एमएलए शर्नो सालगार, हुमनाबाद एमएलए सिद्धू पाटिल, दर्रा साडमपल्ली के अलावा और भी कई श्रद्धालु भक्त गाँव के लोग मौजूद रहे। आज बेलूर गाँव में लगातार 15 दिन से जय भवानी माता की यात्रा महोत्सव बहुत अधूरी का उत्सव एक गांव में चल रहा है। इस बार हमको ये महसूस हो रहा है बेलूर में, जो मैसूर की दशहरा में शायद हम है, मैसूर की दशहरा इधर मना रहे बोल के ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ के सेवक होने का नाते, बसो कल्याण का शासक होने का नाते, मैं भी लगातार कम से कम 4 दिन तो ये यात्रा के लिए मैंने टाइम दिया हूँ। इसलिए इस बार का ये जय भवानी का यात्रा जो मेरी मतक्षेत्र है बसो कल्याण मतक्षेत्र में, जो हारपुर का यात्रा उसके बाद एक अच्छे तरीके से यात्रा होता बोले तो वो बेलूर जय भवानी यात्रा। ग्वालियर कटपीस सेंटर, लिलियन और कॉटन कटपीस भी यहां पर मिलता है। साई मोबाइल, ऑल मोबाइल्स अवेलेबल हियर।